तो फ्रेंड्स, ये है टोयोटो रोमियोन। ये अर्टिगा से किस तरह से अलग है? पहली चीज़ तो इसमें जो है आपको आरएस जो ग्रिल है ये आपको अलग मिलती है, अर्टिगा में अलग मिलती है, और ये रोमियोन में अलग मिलती है, जहाँ पर आपको क्रोम में इंसर्ट मिलता है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर एयर इंटेक है लोअर वाला, यहाँ पे भी चेंज मिलता है और यहाँ पे भी क्रोम वर्क मिलता है। इसके अलावा लोगो चेंजेस है, बिल्ड क्वालिटी चेंजेस है, क्योंकि ये बना रही है टोयोटो और वो वाली बनाती है सुजुकी। गाड़ी वहीं से ली गई है, क्योंकि चार पांच गाड़ियाँ ली है टोयोटो ने, वहाँ से इनका टाई अप है एक उसी के तहत में। तो और भी बिल्ड क्वालिटी भी चेंज है। और ये मैं रोमियोन का सबसे लोअर मॉडल बता रहा हूँ, लोअर मॉडल एस मॉडल है। और इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, इसकी मैं प्राइस भी बताने वाला हूँ कि ऑन रोड ये 12.5 के समथिंग पड़ने वाला है। मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको। इसके अलावा मैं ईएमआई भी बताऊंगा कि आपको कितने रुपये महीना देकर के इस गाड़ी को आप ले सकते हो। 7 सीटर गाड़ी है, फैमिली कार है, और इसका पेट्रोल के अंदर माइलेज जो है आपको 20.51 मिलता है। और वहीं पर अगर सीएनजी में लेते हो आप, तो इस गाड़ी को आप 26 का माइलेज में निकाल सकते हो आराम से। तो ये करीबन जो है 3 मॉडल इसके ऑटोमेटिक आते हैं, एक सीएनजी आता है और 6 पेट्रोल वेरिएंट आते हैं इस गाड़ी के। तो मैं लेके चलता हूँ, एक बार बैक साइड भी देख लीजिए आप। बिल्कुल अर्टिगा जैसी ही लगेगी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी चेंज मिलती है आपको। बैक साइड से आप देखोगे तो बैक साइड से देख लीजिए, बिल्कुल रोमियोन लिखा हुआ है, नियो ड्राइव एस नाम से आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल रोमियोन है, यहाँ पर सब कुछ चेंज है, लोगो चेंज है, तो सब कुछ बदल गया यहाँ पर। देखिए, कहते हैं ना जज्बात बदल गए, उसी तरह से गाड़ी जो है पूरी बदल चुकी है, क्योंकि इसको टोयोटो ने, अब टोयोटो के अंडर में बिकेगी। तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और विश्वास और वारंटी आपको ज्यादा मिल जाती है टोयोटो की तरफ से। ठीक है, रोमियोन की आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है। ये कुछ लाइट है जो कि सेम आरटीआई ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। जितने चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बैक साइड में आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, 4 सेंसर है यहाँ पर। और ये नियो ड्राइव एस बेस्ट मॉडल है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो शुरू से शुरू करते हैं इसको फ्रंट से, और मैं चलता हूँ इंटीरियर से लेकर के, और पूरी गाड़ी का रिव्यू करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं बात कर रहा था आपको, ये आरएस ग्रिल की बात कर रहा था। यहाँ पर आरएस ग्रिल जो है इसकी ये चेंजेस है, अर्टिगा में अलग आती है, इसमें अलग है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एस सुजुकी का एस लोगो आता है, लेकिन यहाँ पर टोयोटो का लोगो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है क्रोम इंसर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा अर्टिगा से डिफरेंट बनाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखो, लोअर जो एयर इनटेक है यहाँ पर भी क्रोम इंसर्ट दिया गया है, और इसको भी, इससे भी गाड़ी जो है थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। देखिए आप एक बार गाड़ी देखिए, देखिए गाड़ी कुछ इस तरह से दिख रही है आपको, देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो ये फोग लैंप होजिंग है, ये भी थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर। उसमें अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि उसमें मारुति की बेसिक सी आती है होजिंग, यहाँ पर अलग है। और ये आप जानती हो, टॉप करने के लिए काम आता है, यहाँ से निकलता है। और अगर हेडलाइट की बात करेंगे तो वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको। और ये बेस मॉडल है तो इसमें इतना ही है। और आपको जो है टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी को। इसके साइड में चलते हैं तो आपको R15 के टायर मिल जाते हैं, जो कि ये आपको मिलते हैं 185/65 R15 के टायर मिल जाते हैं। बेस मॉडल है इसलिए यहाँ पर जो है आपको ये कैपिंग मिल जाती है और ये स्टील आ जाता है। टॉप मॉडल लोगे तो वहाँ पर आपको जो है आराम से अलॉय व्हील मिलेंगे, जो कि डिफरेंट है मारुति सुजुकी से इसके। ठीक है, वहीं पर अपन चलते हैं तो ये टर्न बॉडी कलर में ही आपको ORVM मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक का काम मिलता है, जो कि सिंपल है। इसके अलावा चलते हैं तो यहाँ पर ये बेस मॉडल एस है, तो यहाँ पर जो है आपको एक की से ही एंट्री मिलेगी। फ्रंट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हल्का सा ड्यूल टोन में डोर मिल जाता है, और लाइट कलर का ही इंटीरियर है यहाँ पर। देख लीजिए आप, बिल्कुल इंटीरियर देख लीजिए, लाइट कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है। 7 सीटर फैमिली कार है, ये बेटर है इस गाड़ी की, जो सही बात है। और आपको एयर का ब्लोअर जो है वो आराम से बढ़िया मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से, मतलब पूरी AC एयर कंडीशनर गाड़ी है। बिल्कुल अर्टिगा जो है वैसे ही है, बिल्कुल जो जो चेंजेस है बाकी। तो लोअर मॉडल है तो इसका प्राइस भी बता दूंगा मैं। तो सबसे शुरू करते हैं अपन, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, डोर कुछ इस तरह का है, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ORVM का आप यहीं से सेट कर सकते हो। इसके बाद में सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर, और आगे पीछे जो है यहाँ से कर सकते हो। सीट अच्छी है, फैब्रिक के अंदर मिल जाती है आपको। और यहाँ पर जो है अगर चलें अंदर, मैं थोड़ा सा सीटिंग लेता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टीयरिंग जो है आपको देखने को मिल रही है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाती है यहाँ पर। और स्टीयरिंग कुछ इस तरह की है, जो कि इंटीरियर के अंदर ही मैच है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है कॉल एंड और ब्लूटूथ वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। जो है आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पर। टोयोटा लोगो, एक एयरबैग यहाँ पर मिल जाता है आपको, और एक एयरबैग यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से। और ये जो है बेस मॉडल है, तो कुछ डिस्प्ले कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और जो इसका ऑडोमीटर और टैकोमीटर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कुछ इस तरह का है। और डोर्स और इन्फॉर्मेशन जो है जैसे जैसे अर्टिगा में है सेम वैसे ही है। और ये जो है एयर ब्लोअर का जो ऑप्शंस है AC के लिए, वो देखने को मिलता है आपको।
एक यहाँ पे मिल जाते हैं और एक वहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरह से जो है आपको इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। IRVM देख लीजिए आप, ये मैनुअल वाला है, डे और डे और नाइट के हिसाब से है। यहाँ पर सिंपल वाला आपको ये लाइट मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा जो ड्राइवर साइड का देखेंगे तो यहाँ पर वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाता है, और ड्राइवर साइड में आपको सिंपल टिकट होल्डर टाइप में मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की गाड़ी है इसका। आप अगर ये देखेंगे, ग्लो बॉक्स देखेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है आपको। और इसके अलावा जो है यहाँ पर AC कंट्रोल जो है मैनुअली मिलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं मिलता, बेस मॉडल है ये गाड़ी का। और यहाँ पर जो है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर एक ऑक्स केबल और USB और ये मिल जाती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये कंट्रोल करने का मिल जाता है, कूलिंग का है, बॉटल कूल कर सकते हो यहाँ पर। ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको देखने को मिल जाता है, देख लीजिए आप। यहाँ पर गियर नॉब है और हैंड रेस्ट नहीं है यहाँ पर, आप लोअर मॉडल है इसलिए। और ये पैसेंजर साइड की सीट है, और बैक साइड में भी आपको जो है कुछ ये एक सिगरेट वाला पॉट मिल जाता है, जो कि आप चार्जर वगैरह लगा सकते हो। और ये पैसेंजर साइड का डोर है, जो कि इस तरह का कलर आपको देखने को मिल रहा है। उधर से थोड़ा सा सन आ रहा है, इसलिए मैं हैंड लगा के आपको दिखाता हूँ कलर। एक्चुअल कलर ये आ रहा है इसका, देख लीजिए, अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल बेसिक है, इसलिए ये इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है आपको, वरना आपको जो है अच्छा खासा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अपन चलते हैं बैक साइड में, और बैक डोर में एंट्री लेते हैं तो सीटें जो है आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी, जो कि 3:2:1 में फोल्ड होती है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से फोल्ड होती है। ये 3:2:1 में फोल्ड हो जाती है यहाँ से, और फिर बैक साइड में आप एंट्री ले सकते हो। जरूरी है इसको इतना फोल्ड करो आप, मैं वो भी बता देता हूँ एक बार आपको। दो एड्रेस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और बैक साइड में भी दो एड्रेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बैठ के यहाँ पर देखूँ तो आराम से मैं सिटिंग ले पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर, और 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है सेंट्रल आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आराम से। और ये चीज़ बता रहा था कि मैं, आप ये देख लीजिए, बैक साइड से भी एयर ब्लोअर आपको देखने को मिलता है, जो कि AC की हवा को जो है आपको पीछे तक देने में हेल्प करेगा यहाँ से। और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आप इस तरह से, यहाँ से आप बिल्कुल कंट्रोल भी कर सकते हो जितना आपको करना है। और फ्रंट से भी दिखी जाता है आपको, ये देख लीजिए, फ्रंट साइड से भी आपको देखने को मिलता है, बैक साइड से भी आपको देखने को मिल जाता है, हैंडल ग्रिप मिल जाता है। और आराम से पैसेंजर अगर बैठते हैं तो कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, आप देख सकते हो। 2 लोग बैठ सकते हैं, तीसरा बैठते हैं तो आर्मरेस्ट को आप सेट कर लीजिए, और इस तरह से आप बैठ सकते हो बिल्कुल। और बैक साइड से देखें यहाँ पर तो आपको एक ये मिल जाता है सॉकेट वाला, और बाकी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बैक इधर देखेंगे डोर की साइड तो बॉटल वोटर मिल जाता है, और आपको कुछ इस तरह का जो इंटीरियर के हिसाब से डोर मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जो है आप स्लाइडिंग कर सकते हो सीट को। मैं आगे मैंने पूरी स्लाइड कर दी है सीट को, देख लीजिए किस तरह से मैंने स्लाइड कर दी है पूरी स्लाइड। आगे एक बटन है जिससे कि ये स्लाइडर है, इसे बिल्कुल स्लाइड हो जाती है, तो आगे आप कर सकते हो। और सीट को थोड़ा सा हल्का ऐसे करके और अंदर की साइड में अपन एंट्री ले सकते हैं। तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार। तो 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। खास बातें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर देखिए, मैं आराम से सिटिंग ले ली है मैंने, और एड स्पेस आराम से अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर, आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको जो है यहाँ पर हैंडरेस्ट भी मिल जाता है देखने को, और साथ में यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर भी है, कप होल्डर जो भी है यहाँ पर रख सकते हो आराम से आप इस तरह से बैठ के, और अच्छा खासा सफ़र कर सकते हो। और ये एक बंदा यहाँ पे बैठ सकता है इजीली तरीके से, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक ऑक्स का ऑप्शन है, जो कि बेस मॉडल है, तो इसमें शायद ओपन नहीं है। ये अच्छी खासी है, हेडरेस्ट अच्छा खासा काम करता है यहाँ पर। और 206 लीटर के समथिंग का इसका बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मैं अभी दिखा दूंगा आपको बूट स्पेस भी इसका। और ग्रैब हैंडल यहाँ पर फिक्स वाले मिलते हैं इस तरह के, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गाड़ी को, आप इस तरह से देख सकते हो। सीट फोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। पीछे भी रियर साइड में भी सीट बेल्ट देखने को मिल रहा है आपको। और अगर आप देखेंगे लेग स्पेस, तो लेग स्पेस आप इजीली इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर कितना लेग स्पेस। ये सीट थोड़ी पीछे आएगी तो शायद लेग स्पेस ज़्यादा नहीं रहेगा, चाइल्ड के हिसाब से या फिर एडल्ट के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए कि बैक साइड में, क्योंकि चाइल्ड के हिसाब से सीटें हैं जो कि आराम से आप इजीली देख सकते हो। चलते हैं अपन बैक साइड में, और मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस और बैक का बूट का क्या है, फिर अपन बात करेंगे इसकी EMI और लोन के बारे में, और इंजन की भी बात करते हैं अपन एक बार। बैक साइड में चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये गाड़ी की एज देख रहे हो आप, ये इस गाड़ी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, देखिए।
ठीक है, व्हाइट कलर में है, अच्छी लगती है आपको ये इस तरह की गाड़ी। आप देख सकते हैं बैक साइड से काफ़ी अच्छी लगती है, और टोयोटो का लोगो लग गया तो वैसे ही छोटी इनोवा टाइप में लगने वाली है गाड़ी ये, क्योंकि सभी लोगों को थोड़ी पता होता है कि अर्टिगा को बना दिया गया है। काफ़ी लोग हैं जो कि टोयोटो पे विश्वास करते हैं, तो वो लोग आराम से इस गाड़ी को लेने वाले हैं बेस, क्योंकि टोयोटो यहाँ पर जहाँ पर खड़ा हो गया तो लोग बिल्कुल 50-60 हज़ार रुपये, जो भी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा प्राइस है इसका, वो देने को सब कुछ तैयार रहेंगे। और अगर ये देख लीजिए, इसका जो स्पॉइलर है नहीं, बॉडी के अंदर ही है ये, और बैकलाइट कुछ इस तरह की है जो कि देखने को मिल रही है आपकी। लुकिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी आराम से टोयोटो के लोगों के साथ में चलने वाली है, देख सकते हो। और ऊपर से देखेंगे टॉप तो देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह का टॉप इसका देखने को मिल रहा है, सामने एंटीना देखने को मिल जाता है, इस तरह के देख लीजिए गाड़ी को। ठीक है, मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ। लगभग 206 लीटर का इसका बूट मिल जाता है आपको। जैसे मैं इसका बूट खोलता हूँ, हल्का हाइड्रोलिक है इसमें, ऑटोमेटिक जाता है बूट, देख लीजिए गाड़ी का। हाँ, बूट 209 लीटर का है, सॉरी मैंने 206 बोला था पहले, 209 लीटर का आपको बूट मिल जाता है यहाँ पर। और नीचे जो है आपको कुछ स्पेस मिल जाता है यहाँ पर, एक्स्ट्रा स्पेस रखने के लिए। और आप बोलोगे कि स्टेपनी कहाँ है, तो स्टेपनी आपको नीचे देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पर स्टेपनी देखने को मिल जाती है बैक नीचे की साइड में, अंडर बॉडी आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है। अंदर का काफ़ी अच्छा है, सूटकेस तो क्या है, दो सूटकेस तो रख सकते हो, बाकी सिंपल सा 209 लीटर का आपको बूट मिल जाता है यहाँ पर, कोई ख़ास बूट मिलता नहीं है। ठीक है, गाड़ी बैक साइड से कुछ इस तरह की दिखती है। ओवरऑल मैं इसका दिखा देता हूँ, फिर अपन दिखाते हैं इसका इंजन की बात करते हैं अपन। गाड़ी देख लीजिए, थोड़ी धूप है यहाँ पर, इवनिंग का टाइम है, तो थोड़ा सा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इंजन की बात करते हैं, तो एक बार मैं बोनेट खोल लेता हूँ। इंजन आपको देखने को मिल रहा है, वही इसका इंजन है जो कि 1462 cc का है, जो कि अर्टिगा में आता है, ब्रेजा में आता है, XL6 में आता है, और अब इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है गाड़ी का इंजन, देख लीजिए आप। और इस इंजन की खास बात यह है कि 101 bhp का यहाँ पर जो है 6000 rpm पर ये जो है पावर जनरेट करता है, और 136 Nm का टॉर्क जनरेट करता है यहाँ पर। 7 सीटर गाड़ी है, 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको, 209 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी की प्राइस और लोन EMI की, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए। तो गाइज, अगर गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बेस मॉडल है, लेकिन अगर एक्सोरूम की बात करें तो एक्सोरूम 10,44,000 रुपये से लेकर के 13,73,000 रुपये गाड़ी जाती है यहाँ पर। तो ये ऑन रोड आपकी प्राइस जो है वो डिफर रहती है कि आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप जैसे दिल्ली में लोगे तो सबसे कम टैक्स लगता है, तो दिल्ली में सबसे सस्ती पड़ती है, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस पड़ती है। अब जैसे जयपुर की बोल रहा हूँ, जो कि राजेश टोयोटो नाम से है, ये गोपालपुरा रोड पर है, बिल्कुल आपको मैं बाहर का एक क्लिप भी दिखा दूंगा किस तरह का है। तो यहाँ पर तो जैसे जयपुर की बात करूँ, ऑन रोड 10,44,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस है यहाँ पर, और इसका जो है RTO लग जाता है इसके अंदर 1,22,000 के समथिंग में, इंश्योरेंस हो जाता है 52,000 के समथिंग में। तो इस तरह से ये गाड़ी जो है ऑन रोड 12,50 के समथिंग पड़ती है। थोड़ा बहुत प्राइस जो है कुछ एसेसरीज का, कुछ अदर सर्विसेज का पार्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये का आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो 12.5 लाख रुपये जो है आपको ऑन रोड जयपुर के अंदर पड़ती है। S मॉडल सबसे लोअर मॉडल है रोमियोन का, ठीक है। और इसका जो है टॉप मॉडल की बात करोगे आप, तो 13,73,000 रुपये एक्सोरूम है, और ये गाड़ी जो है 16 लाख+ में जाती है आपकी, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर तो इसका RTO ही लगता है, और इंश्योरेंस भी 62,000 के समथिंग लगता है, और कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब बात करें कि ऑन रोड प्राइस तो हो गई है, अब लोन EMI की बात कर लेते हैं। तो रोमियोन जो S मॉडल है सबसे लोअर 12.5 लाख के समथिंग आता है। अब अगर आप यहाँ पर डाउन पेमेंट कम से कम करोगे तो आपकी EMI बढ़ जाएगी, और अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करोगे तो आपकी EMI घट जाएगी, ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्याज उसी पर लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12.5 लाख रुपए में से अगर आप 2-2.5 लाख रुपए, अगर 2.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट कर देते हो, 10 लाख का लोन करवाते हो, तो आपकी 5 साल के लिए जो है यहाँ पर 20,000 की EMI आने वाली है, और अगर आप 7 साल के लिए करवाते हो तो 7 साल की आपकी EMI आने वाली है 15,800 रुपये की। इस तरह से आप 15,800 रुपये देकर, हर महीने देकर के इस गाड़ी को अपने यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आप अपना जो अमाउंट है वो बढ़ा दोगे, जैसे आप 5 लाख के समथिंग अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, तो आपका 7.5 लाख रुपये लोन रहेगा। तो 7.5 लाख रुपये में आप जो है 7 साल के लिए देखें तो आपकी 11,800 रुपये, यानी कि 10-11 हज़ार रुपये की EMI आएगी, अगर आप डाउन पेमेंट 5 लाख 5.5 लाख कर देते हो, तो ईजिली आप इसको ले सकते हो। तो वीडियो अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो, और भी वीडियो इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, थैंक यू फ्रेंड्स।